एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और मेरा बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन्नौर पहुँच चुकी हूँ। जी हाँ, आज मैं मॉर्निंग में किन्नौर पहुँची और आज इलेक्शन भी है, 12 तारीख है। तो ये देखिए, मैं अभी वोट लगा कर आ रही हूँ और साथ में मिस्टर, यहाँ देखिए स्नो भी है मेरे साथ। तो और यहाँ क्या क्या हो रहा है आज मैं आप लोगों को ये सब दिखाती हूँ। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, और फॉल स्टार्ट हो गया है दोस्तों। देखिए, पेड़ों से काफ़ी पत्ते नीचे गिर चुके हैं और इकट्ठा कर दिया गया है। ये खिलाने के काम भी आता है और गाय के काउ शेड में नीचे बिछाने के काम भी आ जाता है सूत्र के रूप में। और यहाँ पर 3 बेडू इस घास के मज़े ले रहे हैं और स्नो शायद इन बीड़ों को खाने के लिए देख रहा है। चादर ये ना ऐसे ही देखता रहता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऑटम चल रहा है साथ में और ठंड भी काफ़ी हो गई है। जब मैं सुबह पहुंची थी तो मेरे दांत कटकटा रहे थे, तो इतनी ठंड थी। और ये वाला हमारा खेत बीज दिया गया है, देखिए फिर मटर बीजा हुआ है। इस बार भी इस खेत में हमने मटर बीजा हुआ है। लास्ट टाइम तो बहुत पैदावार हो गई थी मटर की इस खेत से और इससे ऊपर वाले खेत से। गांव आते ही ना एक अलग ही वाइब आती है, वाह, दिल खुश हो जाता है सच में। तो दोस्तों, आजकल देखिए घर में ये काम चल रहा है, ये सारे कंडे में जो ड्रॉप हो गए थे एप्पल्स वगैरह वो सब कुछ ला दिया गया है यहाँ पर। और नाने कट कर रहे हैं इसको ड्राई करने के लिए, फिर ये गाय को भी दिया जाता है। इस तरीके से एप्पल चिप्स बन रहा है। तो नाने यहाँ कट कर रहे हैं। नाने हेलो तो बोलो। हेलो तो नाने कितना कट कर लिया अभी तक? दस पंद्रह बोरी। तो गाय सोच सकते हैं इस बार इतना ज्यादा सेब है, मैंने आप लोगों को भी दिखाया था, तो कट करके सुखाया जा रहा है। गाइज, हम लोग इसको इतने मोटे मोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। अगर हमने खुद खाना हो तो हम बहुत पतले पतले बारीक बारीक पीसेस में कट करते हैं एप्पल चिप्स बनाने के लिए, जो कि सन ड्राई होते हैं। तो ये तो हमने गाय को ही खिलाना है, इसलिए हम इतने मोटे मोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ भी वेस्ट नहीं करते, ड्रॉप वाले जो एप्पल है उसको इस तरीके से कट करते हैं। यहाँ पर पेंट का काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, घर में पेंट वगैरह करवा दिया है। और गार्डन में आजकल चारों तरफ मैरीगोल्ड ही नज़र आ रहे हैं। और आप भी देखिए, मौसम ख़राब है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ने वाली है। तो अभी कुछ दिन पहले ना यहाँ पर बर्फ़ पड़ गई थी, मेरे गांव में तो नहीं, मतलब संगला वगैरह बर्फ़ पड़ गई थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी पे दिख रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और एक फ्लावर आज कल ये भी खिल रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए आजकल इसी के सीज़न चले हुए दिवालू, जो कि दिवाली वाला फूल कहा जाता है, उस वक्त ही खिलता है। कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ ऊपर भी खिले हुए हैं थोड़े बहुत, और टाइसन कुछ कहना चाह रहा है, पता नहीं चू चू कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा होगा। यहाँ देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स ये खिले हुए हैं यहाँ पर। इस वाले गार्डन में तो काफ़ी सारे मैरीगोल्ड्स हो गए, जो कि शादी में यूज़ हो जाएंगे ये सारे, इसीलिए हमने इस साल ना मैरीगोल्ड ज़्यादा लगाया, शादी में काम आते हैं ना। ये देखिए बहुत सारे मैरीगोल्ड्स। बाकी मेरा मैपल यहाँ देखिए, अब ऑटम आ गया है तो ये भी सूख गया है, इसके पत्ते अब येलो पड़ने स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी बड़ा हो गया है ये यहाँ पर। और यहाँ भी फ्लावर्स ना सूख रहे हैं और करेला भी ऑलमोस्ट सूख के ख़त्म ही हो चुका है। बार ये देखिए सितरा, जो कि गलगल कहते हैं हम हिंदी में,
इसके साइज बहुत अच्छे हैं, देखिए काफी बड़े बड़े साइज के हो गए हैं ये। ये तो आप लोगों को पता ही है खट्टा खाने के काम आता है, अचार वगैरह के काम। यहाँ पर हमारे पॉपकॉर्न वाले कॉर्न्स तैयार हो गए हैं, तो इसे धूप में हमने ड्राई करने के लिए रख दिया था, और देखिए आसानी से निकल रहे हैं। इस बार ना ये कम ही लगे हुए हैं हमारे, खैर बीजा भी कम ही था, ये ज़्यादा तो नहीं बीजा था। और यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा है, देखिए गाइज अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम, और देखिए पॉपकॉर्न के मज़े ले रही हूँ, ताज़े ताज़े पॉपकॉर्न के। तो मैंने आज पॉपकॉर्न भी बनाया था साथ में, काफ़ी टेस्टी बने हुए हैं। और बस फिर आज का रूटीन वही सेम, किचन वगैरह, और मतलब एक दिन में कितने ही मैं शूट कर पाऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए, बस इतना ही था। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ आकर ना ठंड लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। सुबह सुबह तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अभी शाम के वक्त भी काफ़ी ठंड है, दिन के वक्त तो बादल की वजह से काफ़ी ठंड हो गई थी, लेकिन अगर धूप निकले तो थोड़ा ठीक है, लेकिन रूम वगैरह तो काफ़ी ठंड है। बस यही सब चल रहा है यहाँ पर, बाकी और दिखाते रहूँगी मैं क्या क्या हो रहा है। शायद हफ्ते में 2 वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँ, लेकिन आज वाली वीडियो इतनी ही रहेगी। मैंने सोचा चलो बता देती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। तो आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।